हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, किंग अब्दुल्ला सिटी यानी किंग अब्दुल्ला फाइनेंशियल भी इसको बोलते हैं और अरबी में इसको बोलते हैं मरकज़ मलिक अब्दुल्ला इसको बोलते हैं। नहायत ही खूबसूरत है, फुल लग्जरी बना रखा है, बहुत दूर में बना रखा है, बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा बड़ा है, इतना खूबसूरत है, कोई कसर नहीं छोड़ा है। हम कहते हैं कैसे आपने फिल्मों में ऐसी सिटियाँ ना देखी होगी, यकीन माने किसी फिल्म में नहीं देखी होगी। विदेशों में बहुत बड़े बड़े विदेश में जो बड़े बड़े लंदन और अमरीका जैसे शहर में हो सकता है, बहुत बड़ी लागत से बनाया है। 2008 के शुरुआती में किंग अब्दुल्ला ने जो इसको इसका शिलान्यास किया था, अब तक खैर बनकर रेडी भी हो जाता, लेकिन किंग अब्दुल्ला जब ख़त्म हो गए, उनके भाई के हाथ में सत्ता आ गई, किंग सलमान के हाथ में सत्ता आ गई, तो काम स्लो हो गया, क्योंकि इसमें लागत बहुत बड़ी लग रही थी और जो इनके बच्चे थे, उनके फैमिली वगैरह थी, उन्होंने थोड़ा हाथ अपना कमज़ोर कर लिया, यानी दूर कर लिया इसी वजह से। वाकई आप देख पा रहे होंगे इंतहाई खूबसूरत लग्जरी, फुल लग्जरी। देखिए कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, कितनी खूबसूरती के साथ इसको संवारा गया है। 2008 से अभी तक, यानी प्रेजेंट टाइम में 2023 चल रहा है, अभी भी इसमें काम लगा हुआ है, बंद नहीं है, 15 साल तकरीबन हो रहे हैं। लेकिन ज़्यादातर इसके अंदर होटल भी हैं, काफ़ी भी हैं और शॉपिंग सेंटर भी है, लेकिन ज़्यादातर इसमें रिहाइश है, अपार्टमेंट है। गाड़ी की पार्किंग वगैरह सब नीचे, जितनी बिल्डिंग है सारी के नीचे पार्किंग है। और ज़्यादातर जैसे बैंक हो गई, कैपिटल हो गई, या बड़ी बड़ी जो बड़ी बड़ी फर्में हैं, आरामको वगैरह हो गई, जो बड़ी बड़ी वहाँ की फर्में हैं, उनकी कैपिटल जो वहाँ पे है वो बना रखा है। ये देखिए मस्जिद है जो आपको दिख रही है, मस्जिद है, खूबसूरत मस्जिद है। इसके साथ में देखिए कितनी खूबसूरत बिल्डिंग, कितनी ऊँची बिल्डिंग है, बहुत खूबसूरती के साथ गया, बहुत बहुत बड़ी लागत के बनाया गया, तकरीबन 7.8 मिलियन डॉलर के लागत से बनाया गया इसको, इतनी इसमें लागत आई है अभी तक की, अभी उसमें लगी रहा पैसे। देखिए कितनी खूबसूरत है, ये आपके रियाद के नॉर्थ में पड़ता है, रियाद के नॉर्थ में ये पड़ता है, और क्या बोलते हैं किंग फहद रोड के साथ में, किंग फहद जो रोड है, किंग फहद फाइनेंशियल सिटी है और किंग फहद जो रोड है उसके साथ में सटा हुआ है, जो मदीना को रोड जाती है। अब देखिए ये वाली बिल्डिंग कितनी खूबसूरत दिख रही है आपको, बिल्कुल ज़बरदस्त बनाया, देखिए आप खुद देख रहे हैं कितनी ज़बरदस्त, कितनी ऊंची ऊंची इमारतें हैं, तभी तो इतना टाइम लग गया इसको बनने के अंदर। कितनी कंपनियों ने इसके अंदर काम किया है, विदेशी कंपनियों ने काम किया है, बाहर की कंपनियों ने, अमेरिका की हो गई और कहाँ कहाँ की सारी कंपनियाँ इसमें काम किया है, क्योंकि सारे को बोर्ड लगा हुआ था ना, हर कंपनियों के घर जो भी बिल्डिंग थी उसके बाहर सारी कंपनियों को, देखिए एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग आने में देखिए कैसे बना हुआ है आने के लिए। इसके अंदर मेट्रो भी चलता है, जो ऊपर से चलता है, कभी देखा होगा चाइना वगैरह, पेरिस वगैरह में जो ऊपर से ट्रेन चलती नहीं है, वो चलती है, ज़मीन से नहीं चलती। देख किस कितने खूबसूरत हिसाब से इसको ढाला गया है, बेमिसाल खूबसूरती दिया गया है इसके अंदर, वाकई आप देखते रह जाएंगे, अगर खड़े होकर देखेंगे तो देखते रह जाएंगे वाकई। इसके अंदर सिनेमा हॉल भी है और कॉफ़ी शॉप भी है, होटल भी है, हर कुछ है, सब कुछ, सारी घूमने टहलने हर फुल सुविधा, कोई चीज़ की कमी इसके अंदर है ही नहीं कि जो ना हो, लेकिन बस महंगा बहुत है, बहुत महंगा, बेपनाह महंगा है। अगर आप इसके अंदर जाएंगे वाकई आप इसके अंदर खुद निकलना 10 मिनट लग जाएगा आपको, निकलने में आप रास्ता नहीं ढूंढ पाएंगे, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसे हुआ था, एक दो मरतबे ऐसे हो गया, रास्ता नहीं मिलता अंदर, किधर जाएँ, इधर जाएँ, उधर जाएँ, भटक जाएगा भूल भुलैया टाइप में, क्योंकि हम भी भूले हुए थे, उसी में गाड़ी नचा रहे थे। बहुत दूर में है, एक आध डेढ़ तकरीबन मैं 1.5 किलोमीटर नहीं, तकरीबन ज़्यादा, तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर के दायरे में होगा ये, इतनी दूर में है। वीडियो में आपको लग रहा होगा बहुत छोटा छोटा, नहीं, 3-4 किलोमीटर के दायरे में ये है, बहुत बड़ा है, इंतहाई खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है वाकई। आप देखेंगे एक बार, देखेंगे अगर कभी आप यूट्यूब में सर्च करके देखेंगे और भी अलग वीडियो, तो आपको बहुत खूबसूरती, देखिए कितनी खूबसूरती गाड़ियाँ जा रही हैं, आप खुद देख पा रहे हो कितनी खूबसूरती से इसको सजाया गया है, गाड़ियाँ जा रही हैं, और ये जो आपको दिख रहा है ना, ये इस पर ट्रेन मेट्रो चलती है, वीडियो में जो आपको दिखा होगा वो पिलर टाइप है, उसमें मेट्रो चलती है, ऊपर से चलती है लटकी हुई मेट्रो। अच्छा, इसके अंदर जो है धूप ज़्यादा आती नहीं, क्योंकि इतनी इमारतें इतनी ज़्यादा ऊँची, धूप ज़्यादा आती नहीं, तो इसमें टेम्परेचर भी बहुत अच्छा रहता है इसके अंदर, हमने देखा है। ये जो आप पिलर देख रहे हैं, ये मेट्रो के लिए, ऊपर मेट्रो इस पर से आती है, सिंगल पहिया लगा होता है, क्या लगा होता मालूम नहीं, उस पर इसी पर आता है। हर जगह आपको गार्ड, हर जगह आपको सिक्योरिटी मिलेगी फुल उसमें। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के बाद, जब तक लिए